मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी माता सीता की एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें माता सीता ने क्रोधित होकर इन पांच को श्राप दे दिया था, जो आज कलयुग में भी ये पांचों भुगत रहे हैं। माता सीता ने क्यों दिया गाय, कौवा, तुलसी, फल्गु नदी और ब्राह्मण को श्राप, तथा क्यों माता सीता ने किया दशरथ जी का पिंडदान। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता है। इसलिए यह तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। कहते हैं जब श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता गया के फल्गु नदी पहुँचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफ़ी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज खबर लेने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे, साथ ही उन्हें अपनी तैयारियां जल्दी पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीत रहा था और श्री राम तथा लक्ष्मण लौटे ही नहीं थे। इस बार देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास पूजा के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है, वह उन्हीं से स्वयं पूजा करेगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए वे पूजा आरंभ करें, शायद तब तक वे वापस आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लेंगी। विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। यह सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उसे स्वीकार कर ली। हालांकि वह इस बात को भी भलीभांति जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। तब सीता जी ने फल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने सीता जी की बात नहीं मानी, तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सच्चाई बताएं, किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी ना होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा, साथ ही उसे यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दिया। सीता जी ने पंडित जी को भी कभी संतुष्ट ना रहने का श्राप दिया। इस कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। तुलसी जी को सीता ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। वट वृक्ष को सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही देवी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया, तथा यह भी कहा
कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाएंगे। धन्यवाद।